स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके जीएसट्री। और आज का यह वीडियो रिवीजन क्वेश्चंस का सेट नंबर 4 है। इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से प्रश्नों को लिया है और ये पूरे प्रश्न बिहार बोर्ड के कक्षा 9th और 10th के पुस्तकों से लिए गए हैं। इस वीडियो में मैंने वैसे प्रश्नों को लिया है जिनके परीक्षा में आने की बहुत संभावनाएं हैं, आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है। व्याख्या के कुछ अंशों को मैं कम कर दूंगा ताकि जल्दी जल्दी यह रिवाइज हो सके। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने अवेलेबल कमेंट्स हमें जरूर दें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन कौन है? 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। ये भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसके प्रथम महासचिव थे ट्रिग्वेली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो कुल 111 धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, जिनके अनुसार इस संस्था का संचालन होता है। अगला प्रश्न है, इसके अनवरत प्रयासों के कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी? तो यह उत्तर है वुड्रो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, जो कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? इसका उत्तर है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग करके झारखंड को कब एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा 15 नवंबर 2020 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। 8वां प्रश्न है, बेटी प्रथा क्या थी? तो यह एक प्रकार की बलात् मजदूरी प्रथा थी। अगला प्रश्न है, दीकू शब्द का क्या अर्थ है? ध्यान रखेंगे कि संथाल क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों को दीकू कहा जाता था। जो लोग संथाल क्षेत्र में आते थे बाहर के, जो आदिवासी नहीं हुआ करते थे, उनको वहां के लोग दीकू कहा करते थे। अगला प्रश्न, हो विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो हो विद्रोह हुआ था सन 1820-21 ईस्वी में छोटा नागपुर के सिंहभूम जिले में। अगला प्रश्न है, अल हिलाल और अल बिलाग का संपादन किसने किया था? तो मौलाना आजाद ने अल हिलाल और अल बिलाग का संपादन किया था। इनका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने सन 1913 ईस्वी में बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो उत्तर होगा 16वीं सदी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो यह उक्ति है मार्टिन लूथर की। इन्होंने प्रिंटिंग की बहुत तारीफ की और प्रिंटिंग टेक्निक को यानी मुद्रण प्रणाली को इन्होंने ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा कहा। अगला प्रश्न है, संरक्षणवाद क्या है? अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाने की जो परंपरा है या जो प्रणाली है, इसे कहते हैं संरक्षणवाद। तो इस तरह से इतिहास के 15 प्रश्न पूरे हुए। आइए आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की ओर। पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस से, किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभाओं के कुल स्थानों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 2026 तक। ध्यान रखिएगा, अगस्त 2001 में भारतीय संसद ने एक संवैधानिक संशोधन पास करके लोकसभा और विधानसभा के कुल स्थानों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया है, यानी कि जाम कर दिया है। अब 2026 तक लोकसभा और विधानसभा में कुल स्थानों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया सकता है। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसे कहाँ प्रकाशित किया जाता है? तो उसे करते हैं प्रकाशित भारतीय गजट में। जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो उसे भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1 मार्च 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, फौजदारी मामलों की सबसे बड़ी कोर्ट जिले में कौन है? तो सेशंस कोर्ट जो होती है वह फौजदारी मामलों की सबसे बड़ी कोर्ट होती है जिले में, और जिले में दीवानी मामलों की सबसे बड़ी कोर्ट होती है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्षों के लिए चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्यों का। अगला प्रश्न, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद कितने दिनों के भीतर अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य है? तो 4 महीने के भीतर विधान परिषद अपना अनुमोदन देने के लिए बाध्य होती है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 25 वर्ष का व्यक्ति विधानसभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यह भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स का संबंध किस प्रदेश से है? याद रखेंगे, दलित पैंथर का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किसानों ने सरकार से किस पेड़ को काटने की अनुमति मांगी थी जिस देने से सरकार ने इनकार कर दिया? वह पेड़ था अंगू का पेड़। उत्तराखंड में गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, लेकिन वन विभाग ने उन्हें यह अनुमति नहीं दी और खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का टुकड़ा व्यवसाय करने के लिए दे दिया। वन विभाग की इस कार्यवाही से गांव वाले बहुत दुखी हुए और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। अगला प्रश्न है, नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो नगर का प्रथम नागरिक मानते हैं महापौर को। अगला प्रश्न, नगर निगम के किस पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा होती है? तो नगर आयुक्त की नियुक्ति होती है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कब और कहां नगर निगम की स्थापना की गई? तो 1688 ईस्वी में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई भारत में। अंतिम प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1952 ईस्वी में पटना में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना बिहार में की गई थी। इस तरह से पॉलिटिकल साइंस के 15 प्रश्न पूरे हुए। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स की ओर। इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है, गरीबी का क्या अर्थ है? उत्तर है, गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन के न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसी अवस्था जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता के लिए साधन जुटाने में असमर्थ हो जाए, ऐसी अवस्था को बोलते हैं गरीबी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश? इसका उत्तर होगा क्वेश्चनर ने कहा था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? याद रखेंगे 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। अगला प्रश्न, जेवरों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने वाला चिन्ह कौन सा है? तो हॉलमार्क। जेवरों की शुद्धता की गारंटी देने वाला जो चिन्ह है वह है हॉलमार्क। जिस जेवर पे हॉलमार्क के निशान हो उनकी गुणवत्ता अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आप याद रखेंगे 1800114000। यह BSNL और MTNL लाइनों से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अनुसार उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं? तो धारा 6 के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अनुसार उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए कितने स्तर की न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है? तो त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर है राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग या राज्य आयोग, और जिला स्तर पर जिला मंच या फोरम, कंज्यूमर फोरम भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, देश में कितने जिला फोरम और कितने राज्य आयोग उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए कार्य कर रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे कि बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अनुसार 582 जिला फोरम और 35 राज्य आयोग हैं जो उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो कितने दिनों के अंदर वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो उसके लिए समय सीमा दी गई है 30 दिनों की। अगर कोई उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो 30 दिनों के अंदर वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है, जिला फोरम में शिकायत करने के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य कितना होना चाहिए? तो कम से कम 20 लाख रुपए तक के वस्तु या सेवा का मूल्य अगर है तो
तो आप जिला फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य आयोग में शिकायत करने के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य कितना होना चाहिए? तो राज्य आयोग में शिकायत के लिए 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम अगर मूल्य है वस्तु या सेवा का, तो आप उसके संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं राज्य आयोग में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करने के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य कितना होना चाहिए? उपभोक्ता के द्वारा राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर उस उच्चतम संस्था का नाम क्या है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकार से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? तो वह संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रश्न, सूचना अधिकारी के समक्ष दिए गए आवेदन पर कितने दिनों के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा 30 दिनों के अंदर और विशेष परिस्थिति में 48 घंटे के अंदर सूचना अधिकारी के समक्ष दिए गए आवेदन पर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यहाँ से ज्योग्राफी का पाठ शुरू होता है, शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम तिल के कुएं कहाँ खोदे गए? तो 1886 ईस्वी में ऊपरी असम घाटी में भारत में सर्वप्रथम तिल के कुएं खोदे गए थे। दूसरा प्रश्न है, भारत में यूरेनियम का सबसे विशाल भंडार झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो वह स्थान है जादुगोड़ा। जादुगोड़ा में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? वह देश है भारत। भारत विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दी गई सूचना के अनुसार। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह स्थान है गुजरात के कच्छ में। लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वह एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, ओपेक का पूरा रूप क्या होता है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह ओपेक का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं शुष्क कृषि। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो 1256 द्वीप हैं भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा जाता है? तो यह उत्तर होगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन किस नदी का है? तो उत्तर होगा अमेजन नदी का। अमेजन नदी का जो बेसिन है वह विश्व में सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? तो उत्तर है क्रमशः डेल्टा और ज्वार नदमुख या एस्चुरी का। इसको जरा समझ लीजिए आप कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वह स्थान जहां वह खाड़ी में गिरती हैं वहां एक आकृति बनाती हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं, और बिल्कुल वैसे ही जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं तो अरब सागर में गिरने के स्थान पर जो आकृति बनाती हैं उसको बोलते हैं ज्वार नदमुख या एस्चुरी। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से निकलने के बाद भागीरथी नदी का नाम गंगा किस स्थान पर हो जाता है? तो उत्तर होगा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी नदी का नाम गंगा हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि जब गंगोत्री से नदी निकलती है तो उनको भागीरथी कहा जाता है, लेकिन जब वह नदी पहुंचती है देवप्रयाग में जो उत्तराखंड में स्थित है, तो वहां देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी का नाम गंगा हो जाता है और वहां से वह गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो वह स्थान है तिब्बत के समीप मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है, गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे बोलते हैं टाल। गंगा द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ से निर्मित बाढ़ मैदान को टाल के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। आप इसको ठीक से समझिए और ठीक से याद करिए इसकी विशेषताओं को। प्रश्न है, भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम और संबंधित नदियों के नाम बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है भाखड़ा नंगल परियोजना जो बनाई गई है सतलुज नदी पर और इसकी ऊंचाई है 225 मीटर और यह 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन करती है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी सूचनाएं जो है वह बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक से ली गई है। दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना,
तो यह परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है और इससे 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगला है कोशी परियोजना। यह हनुमान नगर नेपाल में कोशी नदी पर बनाई गई है। 20,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन क्षमता इसकी है। अगला है रिहंद परियोजना, जो सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। 30,00,000 किलोवाट इसकी क्षमता है और गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण भी यहाँ किया गया है। अगला है हीराकुड परियोजना। हीराकुड परियोजना महानदी पर बनाई गई उड़ीसा में। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो 4801 मीटर है और इसकी उत्पादन क्षमता है 2.7 लाख किलोवाट। अगला है चंबल परियोजना, जो राजस्थान में चंबल नदी पर है और 2,00,000 किलोवाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। अगला है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक में बनाया गया है और इसकी क्षमता है 1,00,000 किलोवाट। अगला है शरावती नदी परियोजना। यह कर्नाटक के पश्चिम घाट की शरावती नदी पर जोग प्रपात के पास 2160 मीटर लंबी है और इसकी क्षमता है 13,00,000 किलोवाट। 15वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद जरूर कर लेंगे। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत गृह के नाम और उनसे संबंधित स्थान कौन है, तो आप इनको जरूर याद करेंगे, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत गृह एशिया का सबसे बड़ा है यह, और यह यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। अगला है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, जो राजस्थान के कोटा में बना हुआ है और यह कनाडा के सहयोग से चंबल नदी के पास बनाया गया है। अगला है कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। यह तमिलनाडु में स्थित है और यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। इस संबंध में आप जान लें, कभी कभी परीक्षा में दे देता है 4 ऑप्शन परमाणु विद्युत गृहों के, उसमें ये पूछता है कि निम्न में से कौन स्वदेशी प्रयास से बनाए गए हैं, तो आपको याद रखना होगा कल्पक्कम स्थित जो परमाणु विद्युत गृह है वह स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। अगला है नरोरा परमाणु विद्युत गृह, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नेक्स्ट है काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह, यह गुजरात में समुद्र के किनारे बनाया गया है। और अंतिम है कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, जो रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तुतीकोरिन बंदरगाह के निकट बनाया गया है। तो इस तरह से ज्योग्राफी के भी 15 प्रश्न पूरे हुए। इस वीडियो को मैंने बहुत जल्दी बनाया है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं दी गई है। ऐसा मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नजदीक हैं और आपका रिवीजन जल्दी से जल्दी कराना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।